अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके लिए बहुत ही अच्छा ईमो कट, जो कि ईद के लिए भी और वैसे भी आम रूटीन में आप कट कर सकते हैं। वो क्लाइंट्स जो आपको चाहते हो कि हमारी लेंथ शॉर्ट ना, उनके लिए बहुत आइडियल कट है और बहुत इजी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक थी और मैंने इनके बालों को अच्छी तरह से वेट कर लिया। और इस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूंगी, जो जिस दूसरे चैनल पर भी अपलोड हो चुकी है। इनका नाम मरियम है और इनका चैनल है मरियम ब्यूटी कॉर्नर के नाम से। आप इनका चैनल ज़रूर ओपन करें और देखें, बहुत अच्छी वीडियो जो है उसमें हैं। और इनके बालों को मैंने अच्छी तरह से वेट किया और क्राउन एरिया के बाल लेकर इनको पिन अप कर लिया। अगर बाल हेल्दी ज़्यादा हों तो आप ये क्राउन एरिया के बालों को दो दफ़ा भी हम कर सकते हैं। ये राउंड शेप में मैंने बालों को ले लिया है, इस साइड से भी लेके ऊपर मैं पिन अप कर लूँगी। ये बहुत ही इजी कट है, आप इसकी मदद से जो है उसे देखकर कट कर भी सकते हैं और उसके अलावा भी आपको समझ भी जल्दी आ जाएगा। ये देखिए, राउंड शेप में मैंने बाल लेकर इनको पिन अप कर लिया है। पिन अप करने के बाद मैं इनके बैक साइड के बालों को सेंटर पार्टीशन करके दोनों साइड्स के बालों को पकड़ के फ्रंट पर लाऊंगी। और इंशाल्लाह ताला मैं ये ईमो कट जो है ये 5 से 6 स्टाइल्स में करती हूँ, जो मुझे और मॉडल्स को कट का मिलेगा। इसलिए कि अक्सर जब हम कटिंग्स करते हैं तो लोग वीडियो नहीं बनवाते, तो इंशाल्लाह ताला जो ही मैंने कोई वीडियो बनाई तो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करती रहूँगी। ये फ्रंट पर आप सारे बाल ले आएँ। इसमें याद रखें कि बहुत डीपली कॉम करना है आपने। ये आपने सारे बाल फ्रंट पे लाए, और क्योंकि विश थी मरियम की कि मेरे बाल ज़्यादा छोटे ना किए जाए, तो इस वजह से मैंने स्ट्रेट कट कर लिया। एक दफ़ा दोबारा इनके चैनल का नाम बता दूं, मरियम ब्यूटी कॉर्नर। आप ज़रूर इनको सब्सक्राइब भी करें, देखें। और ये देखिए, जो ही मैंने फ्रंट की पार्टीशन की, दो हिस्सों में तकसीम किया, तो ये बहुत ही खूबसूरत लेयर्स खुद ब खुद बन जाती हैं। और फिर अगर आप हाथ में पकड़ कर देखिए, अगर कहीं थोड़े बहुत दिखती हैं कि बाल में अप एंड डाउन आया है, तो आपको दोबारा भी कट कर सकती हैं। और इन बालों को लेकर जब आपने इनको अगर बराबर करना है या कोई बाल ऊपर नीचे है, तो उसको कट करते हुए आप इस तरह से पकड़ कर फ्रंट पर लेकर आएंगे और इस तरह से 45 के एंगल से पे रख के बाल कट करेंगे। पहले भी मैंने 45 के एंगल पर जो है वो रख कर कट किया है। ये जो लेयर जो फ्रंट की पर फर्स्ट हमने कट की, हमेशा 45 के एंगल पे करें, लेकिन ऊपर वाले जो बाल हैं उन्हें हम 90 पर भी कर सकते हैं, 45 पर भी कर सकते हैं। ऊपर वाले बालों को अच्छी तरह से कॉम करके वो भी फ्रंट पर ले आएं। और अगर हम चाहें तो ये पार्टीशन नेक्स्ट किसी कटिंग में इंशाल्लाह मैं स्टार की शक्ल में भी करती होती हूँ, मैं स्टार में भी आपको बनाकर बताऊँगी। ये मैंने गाइडलाइन ले ली जो हमने पहले फ्रंट का कट कर चुके हैं, और ये देखिए, अब मैंने अपनी गाइडलाइन के बराबर को बिल्कुल स्ट्रेट कट किया है, बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लिया मैंने। और जब मैं इसको साइड पे करूँगी तो ये देखिए, बहुत खूबसूरत हमारा ईमो कट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत इजी भी है। और बालों की लेंथ भी इसमें जितनी आप चाहें रख सकती हैं, और फ्रंट जितना चाहें इतना आप शॉर्ट कर सकती हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इनके बालों को अभी ब्लो ड्राई करके और इनकी फ़ाइनल लुक भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये इस तरह इसी तरतीब से बहुत खूबसूरत लेयर जो है वो बन चुकी हैं और अच्छी तरह से जो है वो ब्लो ड्राई कर लें आप। इनर साइड पे फ्रंट पे लाकर जिस तरह से हमने कट किया था, उसी तरह से फ्रंट पे सारे बाल लाकर उसी शेप में लाकर इनर साइड पर मैं कर रही हूँ इनवर्ट्स में। आई होप कि आपको ये कट अच्छा लगेगा और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स। और इसके साथ साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखती होंगे और मुझे अपनी हमेशा अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और ये फ्रंट पे उसी तरह से आप अच्छा सा ब्लो ड्राई कर रहे हैं, और अगर आपके पास आपको अच्छा ब्लो ड्राई ना करना आता हो तो आप ये काम स्ट्रेटनर के साथ भी कर सकते हैं फ्रंट पर ला कर।
और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा कट कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, इसमें बालों में वॉल्यूम भी आ जाता है और स्टाइल भी मिल जाता है और लेंथ भी कम नहीं होती। और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा कट, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। से देखिए साइड मांग पर आप इसकी लुक देखें, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा कट। थैंक यू वेरी मच।